हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज का टॉपिक है प्लॉट का। आप किस तरह से प्लॉट कर सकते हो कोई भी ड्राइंग या फिर लेआउट, अपनी 2D या फिर 3D जिसमें भी बनाई हो। आप चाहते हो कि उसे पर्टिकुलर एंगल पे या पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 2D लेआउट आपको शो हो रहा है, एक 2D प्लान, एक 2D हाउस प्लान आपको शो हो रहा है। इसे आप प्लॉट करके सेंड करना चाहते हो या फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो ये आप किस तरह से प्लॉट कर सकते हो। या फिर प्रिंट करना चाहते हो आप, तो सिंपली आप इसे ऑटोकैड पे पहले प्लॉट करना पड़ेगा। सो ये आप क्लियरली किस तरह से प्लॉट कर सकते हो ये मैं आपको आज बताऊंगी। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए टाइटल बार है, टाइटल बार में यहाँ पे शॉर्टकट की आपको शो हो रहा है, शॉर्टकट जो है प्लॉट का, प्लॉट। या फिर अगर शॉर्टकट नहीं भी शो हो रहा है तो सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू PLOT प्लॉट कमांड भी दे सकते हैं। इससे भी आपका जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, या जो कमांड है वो ऑन हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट यहाँ पे शो हो रहा है प्लॉट का, ये भी आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। इन केस ऐसा शॉर्टकट अगर आपको शो नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे मेन बार में, मेन मेनू में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन मिलता है। प्रिंट के ऊपर सिंपली आपको कर्सर रखना है। कर्सर जैसे ही आप प्रिंट पे रखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको प्लॉट या फिर प्लॉटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप कहीं से भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट कमांड, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सेव, सेव एज, टाइटल बार पे जो शॉर्टकट्स आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्लॉट का ऑप्शन हमें फ्रंट में शो होना चाहिए, तो सिंपली इन केस नहीं शो हो रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे डाउन एरो देख रहे हैं, यहाँ पे डाउन एरो पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो प्लॉट ऑप्शन है, इन केस आपका जो प्लॉट का शॉर्टकट ऑप्शन है ये आपका शो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप प्लॉट को टिक कर लीजिए। अगर आप टिक करते हैं तो इसका जो शॉर्टकट है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अनटिक है दैट मीन्स वो शो नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप टिक करते हैं, यहाँ पर जो शॉर्टकट आ रहा है प्लॉट का, ये आपको शो होने लग जाएगा टाइटल बार पर। सो इस तरह से प्लॉट का ही नहीं, अदर ऑप्शंस भी जो आप शॉर्टकटली यहाँ पे टाइटल बार पे शो करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे डाउन एरो पे जाकर सिंपली टिक कर सकते हैं। टिक करने से जो भी ऑप्शंस आप यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं मैच प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे शो हो रहा है, अगर मैं इसे अनटिक कर देती हूँ तो मैच प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो होना यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से टिक और अनटिक आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे जो भी ऑप्शन आप शॉर्टकटली यहाँ पे देखना चाहते हैं वो आपको शो होगा। तो ये क्लियर हो गया कि प्लॉट ऑप्शन आप शॉर्टकट किस तरह से लेकर आ सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्राइंग बना ली है, कोई लेआउट ब्लूप्रिंट या कोई भी ड्राइंग आपने बनाई हुई है 2D पे, तो इसे सिंपली किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली आपको प्लॉट कमांड देना है या फिर सिंपली शॉर्टकट कमांड कहीं से भी ले सकते हैं। शॉर्टकटली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंपली प्रिंट सेक्शन में जाकर भी प्लॉट पर आप क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर शॉर्टकट कमांड पर मैं प्लॉट पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं आपको एक न्यू विंडो मिलेगा प्लॉट मॉडल का। तो यहाँ पे आपको वो अलग अलग चीज़ें, अगर आपने पुराना प्लॉट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज सेटअप में, अगर आपने पहले कोई प्लॉटिंग की हुई है या पहले कोई, जो लास्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता रहता है प्रीवियस प्लॉट का। अगर आपने सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर पे पहले कोई प्लॉटिंग की हुई है तो यहाँ पे प्रीवियस प्लॉट या फिर लास्ट जो भी प्लॉट आपने सेलेक्ट किया था या लास्ट जो भी प्लॉट के लिए एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ था, उस वही एरिया आप चाहते हो तो प्रीवियस प्लॉट पर क्लिक कर सकते हो। अगर वो एरिया नहीं चाहते, न्यू एरिया अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो सिंपली इस सेक्शन को स्विच कर दीजिए और नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे नेम द प्लॉट या फिर सिंपली यहाँ पे PDF, JPG या PNG, जिस फॉर्म में भी आप प्लॉट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम जो DWG फाइल है उसको PDF में कन्वर्ट करके प्लॉट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे DWG to PDF PC3 पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप JPG चाहते हो या PNG चाहते हो तो इनमें से भी कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर PDF के थ्रू मैं सिंपली ऑप्शन आपको बता रही हूँ, PDF पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे PDF आ गया है। इसके बाद आपको पेपर साइज़ सेलेक्ट करना है। पेपर साइज़ अगर आप A4 साइज़ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो A4 साइज़, अगर A3 साइज़, A4 का जो डबल साइज़ होता है वो A3 साइज़ होता है, A3 का अगर आप डबल साइज़ देखेंगे पेपर का तो वो A2 होता है, और A2 का अगर आप डबल साइज़ देखेंगे तो A1 होता है। तो इस तरह से आप गैस कर लीजिए कि आपको कितने बड़े साइज़ पे प्रिंट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं A3 साइज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो हमारी ड्राइंग है वो पोर्ट्रेट में बनी हुई है। अगर आपने ड्राइंग जो है लैंडस्केप पे बनाई हुई है, चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, तो आप लैंडस्केप पे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 420 आप देखेंगे A3 पे टू ऑप्शंस आ रहे हैं,
420 जो विड्थ है वो ज़्यादा आ रही है और जो लेंथ है वो कम आ रही है, तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, हमारी जो विड्थ है वो कम है और लेंथ ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे A3 साइज़ जो सेकंड ऑप्शन है 297x420 ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अब एरिया सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप डिस्प्ले सेक्शन में प्लॉट एरिया जो है डिस्प्ले पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको विंडो पे क्लिक करना है। विंडो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक एरिया आपको डिफाइन करने के लिए ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो सिंपली डाउन साइड से कॉर्नर पे क्लिक करिए और अपर साइड से डाउन टू अपर आपको लोअर लेफ्ट लोअर राइट कॉर्नर टू अपर लेफ्ट पे आपको क्लिक करना है एरिया। जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीव्यू आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर द प्लॉट पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जो आपका जो प्लॉट है जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो सेंटर पे ही, दैट मींस पेपर की जो भी साइज़ है जो आपने सेलेक्ट की हुई है PDF या JPG या PNG किसी भी फॉर्म में, आपकी जो प्लॉटिंग है या जो आपकी ड्राइंग है वो बिल्कुल सेंटर में प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप सेंटर द प्लॉट पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप एक बार लैंडस्केप पे क्लिक करके देख सकते हैं जो पेपर साइज़ है आपकी। यहाँ पे प्रीव्यू में आप देखेंगे पेपर साइज़ 297x, यहाँ पे आप देखेंगे 420 का mm का साइज़ शो कर रहा है। अगर आप लैंडस्केप कर देते हैं तो ये काफ़ी स्मॉल में प्रिंट होगा, अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं सो इस तरह से ये बिग में आपको प्रिंट आउट होकर मिलेगा। यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप देखेंगे क्वालिटी ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली कस्टम कर दीजिए। कस्टम में एटलस जब भी आप प्रिंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 300 DPI होना चाहिए। DPI मीन्स होता है डॉट पर इंच। जब भी हम किसी का रिजोल्यूशन अगर आप देखते हैं, कोई नॉर्मली इमेज हो या ड्राइंग हो, तो उसका रिजोल्यूशन जो है वो DPI डॉट पर इंच से डिसाइड होता है। तो जितना ज़्यादा आप डॉट पर इंच या DPI रखते हैं, फॉर एग्जांपल 300 है, अगर 600 1200 जितनी बड़ी ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर A3 या A2 साइज़ या A1 साइज़ आप रख रहे हो तो 300 DPI एटलीस्ट रखना ही चाहिए। शेड टू प्लॉट एज डिस्प्ले ही रखिएगा। अगर आप इसे रियलिस्टिक या शेडेड, अगर आप 3D में वर्क कर रहे हैं और 3D में प्लॉट कर रहे हैं तो इसे आप रियलिस्टिक या शेडेड भी रख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम 2D प्लॉट कर रहे हैं तो 2D के लिए आप एज डिस्प्ले ही रखिए, बेस्ट रहता है। क्वालिटी आप प्रीव्यू नॉर्मल प्रेजेंटेशन भी रख सकते हैं, बट आप प्रिंट के लिए एक फाइनल प्रिंट जब आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको कस्टम रख के 300 DPI प्रिंट करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस आपको प्लॉट ऑप्शंस में देखेंगे, प्लॉट इन द बैकग्राउंड आप ऑन रख सकते हो। अगर आप चाहते हो लाइन वेट, अगर आपने अप्लाई की हुई है ड्राइंग पे और लाइन वेट यहाँ पे आपको शो करना है तो इसे आप टिक रखिएगा। अगर आप चाहते हो लाइन वेट आपको शो नहीं करना है तो यहाँ पे अनटिक आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, अगर आपने किसी लाइन्स को या फिर ड्राइंग में अपनी ट्रांसपेरेंसी दी हुई है, जनरली क्या होता है जब हम फर्नीचर्स या स्पेस प्लानिंग करते हैं तो फर्नीचर्स को एक ट्रांसपेरेंसी हम देते हैं, फॉर एग्जांपल 75 या 30 ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। जो मेन लाइन होती है उनकी ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो रहती है, कोई ट्रांसपेरेंसी हम उसमें नहीं देते हैं। पर जब हम स्पेस प्लानिंग करते हैं तो उसमें फर्नीचर या अदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं फॉर द डेकोरेशन, सो उनको हम एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, 25%, 30% या 50% का ट्रांसपेरेंसी हम उस पर्टिकुलर लाइंस को हम देते हैं, या फिर डॉटेड लाइंस हम देते हैं, या फिर मार्जिन लाइंस जो देते हैं वहाँ पे भी, या इलेक्ट्रिक लाइन या वाटर लाइन, जब वाटर पाइप लाइन जब आप देते हो तो उसे अलग अलग कलर्स में या फिर ट्रांसपेरेंसी लेवल हम उसमें देते हैं। अगर आप चाहते हो वो ट्रांसपेरेंसी लेवल शो हो तो आप ट्रांसपेरेंसी ऑन रख सकते हो, अदरवाइज़ फिर ऑफ रख सकते हो। यहाँ पर मैं ऑन करती हूँ। इसके अलावा आप सिंपली अब जो भी सेटिंग आपने की है इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे प्रीव्यू ऑप्शन है, इसे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक प्रीव्यू यहाँ पे देखने मिलेगा। हमने लो जो लाइन वेट थी वो भी हमने ऑन रखी है, ट्रांसपेरेंसी हमने जनरली इस लेआउट में दी नहीं हुई है इसलिए शो नहीं हो रहा है। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी दी हुई है और ट्रांसपेरेंसी आपने ऑन रखा हुआ है, टिक किया हुआ है, तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही आपको प्रीव्यू शो होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं जूम इन जूम आउट करके। इसके बाद जब आप एस्केप प्रेस करते हो, एस्केप प्रेस करने से आपका जो प्रीव्यू है वो बंद हो जाएगा और सिंपली आपका जो प्लॉट मॉडल विंडो है ये आपको शो होगा। यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखने के बाद आप कंफर्म करते हैं कि ये लेआउट जो है फाइनल है और इसे आप प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं, अगर आपने PDF, JPG या PNG फॉर्म जो रखा हुआ है, यहाँ पे आपको जिस भी फॉर्म जो भी फॉर्म आपने सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे सिंपली आपको सेव करने बोला जाएगा। तो किसी भी एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं
कोई भी एक फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो, हम डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं कोई भी एक नेम से, और सिंपली आप इसे सेव कर दीजिए। आपकी जो प्लॉटिंग है यहाँ पे आप देखेंगे आपको शो होगा इस तरह से, आपका जो जो भी आपने ड्राइंग बनाई थी ये आपका प्लॉट रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब प्लॉट होने के बाद हम फाइल ओपन करके देखते हैं प्लॉट आपका कंप्लीट होने के बाद किस तरह से आपको शो होगा। ओके, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिस भी फोल्डर में जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ था उसे सिंपली डबल क्लिक करके आपको ऑन करना है। ऑन करते ही आपका जो पीडीएफ जो सॉफ्टवेयर आपने या पीडीएफ एप्लीकेशन पे आपने जिस भी फॉर्म में, अगर आपने जेपीजी किया हुआ है तो पिक्चर व्यूवर में आपका शो हो जाएगा, या पीएनजी किया हुआ है तो नॉर्मल इमेज की तरह शो होगा। अगर आपने पीडीएफ में सेव किया हुआ है सो आपका एडोब पीडीएफ में ये ऑन हो जाएगा, आपका शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप जूम करके अपनी फाइल को चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली ये प्लॉट हुआ है या नहीं हुआ है, या पिक्सलेट तो नहीं हुआ। अगर 300 DPI पे आपने सेव किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है, सो 300 DPI पे जब आप प्लॉट करते हैं और पीडीएफ में करते हैं, जनरली पीडीएफ में अगर हम सेव करते हैं या प्लॉट करते हैं, फॉर्म जो है हम पीडीएफ रखते हैं, तो उसमें आपको जो क्वालिटी होती है प्लॉट की वो काफ़ी अच्छी मिलती है, ड्राइंग की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। जेपीजी और पीएनजी में उतनी ज़्यादा बेटर नहीं क्वालिटी मिल पाती, बट पीडीएफ में अगर आप सेव करके रखते हैं तो आपको बेटर क्वालिटी, और जूम इन जूम आउट अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर क्वालिटी आपको मिलती है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। साथ में इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप प्लॉट करें तो एटलीस्ट 300 DPI आपको रखना ही है। सो यहाँ पे ये जो प्लॉट ऑप्शन मैंने आज आपको बताया, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लेआउट बनाया था या कोई ब्लूप्रिंट रेडी किया था या कोई भी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग रेडी की हुई थी, अब आप उसे प्लॉट करके एक बार देखिएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी अगर आज की क्लास में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, मेल कर सकते हो नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे बनाना है। वेबसाइट पे अगर आप aarthigallery.com/learnings में आप जाएंगे तो लेटेस्ट एपिसोड्स हमारे दिख जाएंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान जिनको भी लेना है वो नॉर्मली प्राइम मेंबरशिप सेक्शन में जाकर 199 से लेके ईयरली 999 तक अवेलेबल है, उसके बीच में परचेस कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। कोई क्वेरी है तो सिंपली आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।